जो तत्व अभी भी हमारे भारतीय समाज में अश्लीलता फैलाने और लोगों की मानसिकता को दूषित करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं और इस गंदगी को हमारे समाज में धड़ल्ले से प्रस्तुत भी कर रहे हैं और इसको दिखाने में बिल्कुल भी अपने आप को लज्जित महसूस नहीं कर रहे हैं, बल्कि समाज को दूषित करके अपने आप में ही गौरवान्वित हो रहे हैं। उनको आज हम अपने इस शो के माध्यम से बेनकाब करेंगे और उनके द्वारा फैलाए गए नकारात्मक विचारों और गंदगी का हिसाब उन्हें सुनाएंगे। नमस्कार, मैं नीतीश और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल मीडिया दरबार। भारतीय समाज में अश्लीलता फैलाने वाले लोगों के चेहरे को बेनकाब करने के लिए आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अपने शो को लेकर जिसका नाम है अश्लीलता का पर्दाफाश। आज मैं बात करूंगा मस्तराम वेब सीरीज के बारे में। मस्तराम एक ऐसी गंदी और घटिया वेब सीरीज है जिसको फैंटेसी वेब सीरीज का नाम दिया गया। ये कहना ज़्यादा ठीक रहेगा कि ये एक अश्लीलता की दुकान है। जी हाँ, इस वेब सीरीज के अंदर इतनी अश्लीलता है आम पारिवारिक भारतीय शर्म से अपनी आंखें बंद कर लेंगे। मस्तराम एक ऐसी वेब सीरीज है जहाँ शर्म, लाज और कपड़ों पर बैन लगा हुआ है। महंगे चमकीले कपड़ों को बदन पर सजाना और बाद में धीरे धीरे उनको उतरवाना अखिलेश जायसवाल का ये टैलेंट तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, इस वेब सीरीज के लेखक और डायरेक्टर अखिलेश जायसवाल हैं। ये वही अखिलेश जायसवाल है जिन्होंने आज से लगभग 5 वर्ष पहले भी इसी नाम से एक फिल्म भी रिलीज की जिसको लेकर बाद में ये काफ़ी चर्चा में भी रहे। उसी गंदगी को फिल्मों के माध्यम से भारत में परोसने के बाद अब वेब सीरीज के माध्यम से अभी भी ये कोशिशें जारी रखे हुए। जी हाँ, कहानी लगभग सेम ही है। इस फिल्म में दिखाई गई अश्लीलता में और ज़्यादा फैंटेसी को जोड़कर इस वेब सीरीज को बनाया गया। लस्ट, वाशरूम, कामसूत्र, इन शब्दों की तलाश करने में कब तक अंग्रेजों पर आप अपना मोबाइल डेटा खर्च करें। मेड इन इंडिया का जमाना है। इस गंदगी को देखने वाले लोगों को ये लगता है कि शायद अखिलेश जायसवाल आपके समय और आपके पैसों का ख्याल रखते हैं। मेड इन इंडिया को बढ़ावा दें। मस्तराम का एक एपिसोड इतना घटिया है कि आपको भी शर्म आ जाएगी उसके बारे में। यह एपिसोड हमारी सदियों से चली आ रही भारतीय संस्कृति पर सवाल खड़े करता है। भारतीय समाज और संस्कृति में शिक्षक को भगवान के बराबर दर्जा दिया है। वहीं मस्तराम के एक एपिसोड में ये दिखाया जाता है जब एक शिक्षिका का पल्लू नीचे गिरता है तो एक छात्र खड़ा होकर टॉयलेट जाने के लिए और उसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा एक एक करके लाइन लग जाती है टॉयलेट जाने के लिए। ये क्या दिखाया जा रहा है? क्या भारतीय समाज इसको स्वीकार करने का साहस कर सकता है? क्या ऐसे ही वेब सीरीज और ऐसे अश्लील साहित्य हमारे समाज में अश्लीलता के माध्यम से महिलाओं का, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चियों के साथ घिनौनी हरकतों का कारण नहीं बन रहा? कब तक मस्तराम जैसे सैनी कोड किरदार पर वेब सीरीज बनाकर इसी तरह खुलेआम नग्नता को ऐसे ही बढ़ावा दिया जाएगा? क्या इतना डार्क ह्यूमर हमारे समाज में स्वीकार करने लायक है? इन सब के पीछे क्या मकसद है अखिलेश जायसवाल जैसे लोगों का? क्या ये लोग ऐसे ही सॉफ्ट पोर्न के नाम पर देश की मानसिकता को दूषित करते रहेंगे? यहाँ सवाल और उंगली केवल अखिलेश जायसवाल जैसे डायरेक्टर पर नहीं, यहाँ सवाल हमारे ऊपर भी। आखिर समाज में ऐसी अश्लीलता को हम जगह ही क्यों देते हैं? अगर आज आप और हम मिलकर इस अश्लीलता के खिलाफ इस लड़ाई को अंजाम तक नहीं पहुँचाएंगे तो आने वाले हमारे पीढ़ियों के अंदर संस्कार और संस्कृति दोनों ही नहीं बचेंगे। इसीलिए अभी अपना फ़ोन उठाइए और ट्विटर पर #अश्लीलता का पर्दाफाश कर तुरंत अपने विचार और विरोध दर्ज कीजिए। ट्वीट के जरिए अपने सोशल मीडिया की पावर का सही जगह पर सही उपयोग कीजिए और ऐसी वेब सीरीज, फिल्म, सीरियल, अश्लील साहित्य जो मानसिकता को दूषित करती है उसे बैन करने की मांग कीजिए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि भारतीय संस्कृति से जुड़े सारे लोगों को हमारे इस मुहिम के बारे में पता चले और वे लोग भी इस मुहिम से जुड़कर इस पुण्य कार्य में अपना योगदान सुनिश्चित करें। जाते जाते हमारे मीडिया दरबार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि समाज में चल रहे बुराइयों पर सबसे पहले हमारी ही नज़र पड़ती है। धन्यवाद।